गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट योर क्लास 6.2 के एग्जांपल्स के कुछ मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें सेंड कर दिए थे, तो अब कुछ बचे हुए जो क्वेश्चंस थे वो और आपको एक बार बता देती हूँ, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स माइनस टेन, एक्स माइनस ट्वेंटी एंड वन अपॉन एक्स माइनस टेन, ये दिए हुए हैं और आपको x की वैल्यू फाइंड करना है। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें जो एंगल दिए हुए हैं उसमें जहाँ पर भी आपको x दिखेगा वहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करेंगे और जो ट्राइंगल के थ्री एंगल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो ये कोई नहीं है क्वेश्चन, ये जिस टाइप से आपने एग्जाम्पल के क्वेश्चन किए हुए थे उसी टाइप से ये वाले क्वेश्चन भी हैं, उसी पर बेस्ड हैं। एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? जो ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी है उसमें क्या है कि जो ट्राइंगल के थ्री एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड अपन ने कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में किए थे और कुछ क्वेश्चंस अब करते हैं, तो कुछ न्यू नहीं है, है वही, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, डिजिट चेंज हो जाती है बस, और कुछ भी नहीं है। जो वैल्यू दी हुई रहती है वो चेंज हो जाती है एंगल्स की, बाकी पैटर्न पूरा वही है, फॉर्मेट वही रहेगा जैसा कि आपने पहले किया हुआ था। किस टाइप से? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। जैसे देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी रीड किया था, उसी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको करवा रही हूँ। देख लीजिए फर्स्ट नंबर क्या देखिए, क्या दिया हुआ है आपको? एक्स माइनस टेन दिया हुआ है, एक्स माइनस ट्वेंटी एंड एक और एक्स टू माइनस टेन। क्या आपको कंफ्यूज नहीं होना है? क्योंकि बुक में क्या दिया हुआ है? बराबर टू एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक्स अपॉन टू लिख दिया, सेम बात, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। आपको एक्स की वैल्यू जो करना है फाइंड करना है। ले यानी कि अपन मानते हैं कि जो ट्राइंगल है फर्स्ट एंगल वो है ए ए है जिसकी वैल्यू एक्स माइनस टेन, बी है जिसकी वैल्यू एक्स माइनस ट्वेंटी एंड सी है जिसकी माइनस जिसकी वैल्यू वन एक्स माइनस टू माइनस टेन। ठीक है, एक्स की वैल्यू के अगर आपको फाइंड करना है तो मैंने लिखी थी तो बराबर के लिए एन है, एंगल सम प्रॉपर्टी अपन जानते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस टेन प्लस बी की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस ट्वेंटी प्लस सी की वैल्यू क्या है? एक्स अपॉन टू माइनस टेन इक्वल टू 180 डिग्री। देख लीजिए आप जो वन अपॉन मतलब एक्स के अपॉन में टू है, इनके सबके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो ये भी अपॉन में अपन वन मान लेंगे। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कुछ इस टाइप से आएगा, टू अकेले एलसीएम में आएगा बाकी ऊपर मल्टीप्लीकेशन चलेगा। ठीक है, टू का एस के साथ में हो जाएगा प्लस, ये आपको नहीं दिखेगा बोर्ड पे तो मैं लिख देती हूँ, मैं लिख जाऊँगा आपको अच्छे से लिख लिया है। तो यहाँ आ जाएगा टू एक्स माइनस टेन प्लस टू एक्स माइनस ट्वेंटी प्लस एक्स माइनस टू इंटू टेन इक्वल टू टू इंटू 180। मल्टीप्लीकेशन अंदर कर दीजिए, टू एक्स माइनस ट्वेंटी प्लस टू एक्स माइनस फोर्टी
एटीएम, ठीक है, एक्स की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। अब जो एक्स की वैल्यू है वो आप जो भी एंगल से उसमें पुट करते जाएंगे और उनको आंसर मिलता जाएगा। ए की वैल्यू क्या थी एक्स माइनस टेन, तो एक्स की जगह पर रखेंगे 88 माइनस टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 78। बी इक्वल टू क्या है एक्स माइनस 20, यहाँ पर रख दीजिए 88 माइनस 20 तो यहाँ आपको मिल जाएगा 68। एंड लास्ट जो है वो तो आपकी यहाँ पर कर देंगे तो वो है एक्स अपॉन टू माइनस 10, ठीक है, सी इक्वल तो सी इक्वल टू एक्स लेकर 88 कर देंगे अपॉन टू 10, 44 माइनस 10 तो ये होगा 34। तो थर्ड वाला जो है आपको क्या जाएगा, तो फर्स्ट एंगल आ गया 78, सेकंड एंगल आ गया 68 एंड थर्ड एंगल आ गया 34। तीनों एंगल्स आ चुके हैं, देख ही दिया होगा आपने कि ये सिर्फ वो किस पर बेस्ड है, एंगल सम प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। आगे के जो और भी क्वेश्चन है वो एंगल सम प्रॉपर्टी पे है। तो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं अपनी कॉपी में, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको मैंने बोर्ड पर करवा दिया है, एक सिक्स नंबर का क्वेश्चन है आपका वो मैं पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी, एक नाइन नंबर का क्वेश्चन है वो भी आपका मैं पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी, बाकी जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो मैं पीडीएफ के थ्रू आपको नहीं भेजूंगी, वो मैं ऑब्जर्व करूंगी कि वो पेयर कॉपी में कौन कौन करता है, क्योंकि ये सेल्फ करना है। जब 5-6 तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं पीडीएफ के थ्रू आप तक भेज दिए हैं तो एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, और जो बात पेयर कॉपी चेक करने के लिए लाएंगे तब मैं उसमें सबसे पहले यही देखूंगी कि 6.2 का 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस किस ने सॉल्व करने की कोशिश की है। एक बार मैं बता देती हूँ कि उस क्वेश्चन में करना क्या है आपको। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स आर गिवन, यानी कि नीचे तीन एंगल्स दिए हुए हैं किसके ट्रायंगल के। स्टेट इन विच केसेस द एंगल कैन पॉसिबली बी दोज ऑफ अ ट्रायंगल, अपन को पता ही है कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो नीचे सिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो सिक्स क्वेश्चन में तीन तीन एंगल दिए हुए हैं, हर क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन थ्री थ्री एंगल्स आपको दिए हुए हैं। तो इनमें आपको बस ये करना है कि हर क्वेश्चन में तीनों एंगल्स को सम करके देखना है, जिसका 180 डिग्री आ जाएगा वो आपका ट्राइंगल होगा, जिसका 180 डिग्री नहीं आएगा तो वो ट्राइंगल नहीं होगा। तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप ही सेल्फ करने की कोशिश करेंगे कि तीनों का सम कर करके देख लीजिए, जहाँ पर 180 डिग्री के बराबर आएगा तो वो वहाँ पर लिख देंगे अपन की ये ट्राइंगल है, और जहाँ 180 डिग्री के बराबर नहीं आएगा तो वो ट्राइंगल नहीं है। तो ये आप ही को करना है, पीडीएफ के थ्रू मैं आप तक नहीं पहुँचाऊँगी वो, और जब आप कॉपी चेक करने देंगे तो फर्स्टली मैं यही ऑब्जर्व करूँगी आपने कोशिश की या नहीं की, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एंगल सम प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है, कुछ अलग नहीं है, सिंपल है, ओनली सम करके देखना है आपको। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ